दोस्तों, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं Realme की 10 सीरीज़ का और उसमें भी खास करके Realme 10 Pro Plus का, तो आपके लिए ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर ये जो वीडियो है वो फेस कैम वीडियो नहीं है, लेकिन स्टिल वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर Realme 10 Pro Plus के स्पेसिफिकेशंस, इंडियन प्राइस और इंडियन लॉन्च के बारे में। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। खैर, चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन से। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो चाइना में Realme Q5 Pro के नाम से फ़ोन लॉन्च हुआ है, वही फ़ोन इंडिया में हमें Realme 10 Pro Plus के नाम से देखने को मिल सकता है। और ये काफ़ी सारी लीक्स में भी दोस्तों बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो फ़ोन रीब्रांडेड होकर यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो Realme Q5 Pro का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है, तो मे भी यहाँ पर Realme 10 Pro Plus का भी जो डिज़ाइन है वो ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। खैर, इसके अलावा आते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों 6.62 इंचिस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और इस बार आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट भी मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर है Qualcomm Snapdragon 870 वाला 5G चिपसेट। पिछली बार जो यहाँ पर Realme 9 Pro Plus था उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलेगी, मच बेटर होगा परफॉर्मेंस इसका, क्योंकि ये जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है गाइज। तो गेमिंग के लिए भी काफ़ी हद तक ये फ़ोन इस बार काफ़ी सही होने वाला है। अब सबसे बड़ी फ़ोन की जो पिछले साल हाईलाइट थी Realme 9 Pro Plus की, वो कैमरा था, वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन था। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। पीछे की साइड में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन वहाँ पर ना ही OIS का सपोर्ट है और ना ही सोनी के सेंसर है। पिछले साल ये सारी चीज़ें आपको Realme 9 Pro Plus में देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। लेकिन देखते हैं अगर इंडियन वेरिएंट जो आता है वहाँ पर कुछ अलग हो तो। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है और 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड है। पिछले साल 60 वॉट का था, यहाँ पर 80 वॉट का है। अब यहाँ पर ये फ़ोन के जो स्पेक्स है वो देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, लग रहा है कि ये दोस्तों Realme की GT सीरीज़ का फ़ोन है, क्योंकि GT सीरीज़ जो है वो परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और ये जो Realme 10 9 Pro Plus था वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन था, तो यहाँ पर उसका अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन अभी ये भी कन्फर्म नहीं है कि Realme Q5 Pro ही इंडिया में Realme 10 Pro Plus के नाम से ही आएगा, ऐसे लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कन्फर्म है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ तो चाइना में ये 21,000 में लॉन्च हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया में तो इतनी प्राइस में आएगा नहीं। इंडिया में 25 या फिर 30K के अराउंड इसकी प्राइस, 25 से 30K के अराउंड इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी। एंड लॉन्च की बात करूँ तो Q3 के एंड तक आपको ये स्मार्टफोन और इनफैक्ट Realme की 10 सीरीज़ जो है वो इंडिया में देखने को मिल जाएगी। और Q3 के एंड तक मतलब अगले 2-3 महीने में ही ये सीरीज़ जो है, 2 महीने में दोस्तों ये सीरीज़ इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है Realme 10 Pro Plus के ऊपर, Realme 10 सीरीज़ के ऊपर, नीचे कमेंट में शेयर ज़रूर से कर देना। एंड वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर डेली आपको मिलते रहते हैं।